तो व्हाइट कलर गिर गया। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, हम आज आ गए हैं एक नई वीडियो के साथ। आज मैं करने लगी हूँ कैनवस पेंटिंग और मैं साथ साथ आप लोगों को भी दिखाऊंगी। गाइस, ये मैं बना रही हूँ कैनवस अपनी दोस्त के लिए, उसको पांडास बहुत पसंद है तो मैं उसके लिए एज अ गिफ्ट बना रही हूँ। साथ साथ मैंने कहा मैं आप लोगों को भी दिखाऊँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके गाइस, तो हम लोग शुरू करने लगे हैं पांडा बनाना। हम अपने कैनवस पे पेंट करने लगे हैं। उसके लिए हम पहले निकाल लेते हैं कलर्स जो जो हमें चाहिए। गाइस, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जिससे हमने पहले अपना मेन आउटलाइन करनी है, हमने पांडा बनाना है अपना। और ये मार्कर्स वगैरह मैंने इसलिए रखे हैं ताकि फिनिशिंग हम इससे दे सकें। अगर हम पेंट ब्रश से उसकी आउटलाइन करते तो वक्त से बहुत मोटी भी हो जाती है। तो गाइस, लेट्स गो। अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं अपना पांडा। उसके बाद जब हम स्केच अपना कंप्लीट कर लेंगे फिर हम खोलेंगे अपने कलर्स। ऑब्वियसली मैं इतनी कोई प्रो नहीं हूँ, मैं यहाँ से देख रही हूँ, मैं इसको कॉपी करूंगी देख के। वैसे मैं हाफ में यहाँ तक पहुंच गई हूँ, अभी हम इसको आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। ओके गाइस, तो हम लोगों ने अपना पांडा बना लिया। अभी आपको देखने में ज़रूर फनी लग रहा होगा लेकिन जब इसमें एक दफ़ा पेंट हो जाएगा ना, ये बहुत प्यारा लगेगा। इसके बाद मैं आपको वो भी दिखाऊंगी जो चीज़ें मैंने इससे पहले बनाई। ओके गाइस, सबसे पहले जो है ना हम इसका बैकग्राउंड पेंट कर लेते हैं जो कि मैंने पेंट करना है पर्पल कलर। ये थोड़ा सा रह गया, इसको मैं थोड़ा सा पहले कंप्लीट कर लूँ, उसके बाद फिर हम इसका बैकग्राउंड पेंट करते हैं। ओके गाइस, ये है जी इसकी फाइनल लुक। अब हम इसको पेंट करते हैं, हम पहले इसका बैकग्राउंड पेंट करें। ओके गाइस, तो अब हम शुरू करने लगे हैं अपनी बैकग्राउंड पेंटिंग, जिसके लिए मुझे कलर मिक्सिंग करनी है। गाइस, मैं यूज कर रही हूँ वाइट कलर और मैं यूज करने लगी हुई हमारे एक्रेलिक पेंट का कलर है जी मोव पेल। ठीक है, इसको मिक्स करके मैं अपना लाइलैक टाइप कलर बनाऊंगी। गाइस, मैं इससे अपना बैकग्राउंड जो है वो पेंट करूंगी इस ब्रश से, तो इसी से मैं मिक्सिंग भी करूंगी ताकि मेरा कलर आया ना। Yeah.
लाइलेक्स थोड़ा सा डार्क है लेकिन ये अच्छा कलर है। पर्पल तो लो, पर्पल बस इसका पानी निकाल दो। अब इसको हम बहुत मेरे सारे हाथों पे व्हाइट कलर गिर गया। मेरा जो मेरा एक्रेलिक पेंट्स तो ड्राई नहीं होते लेकिन जो मेरा एक और व्हाइट कलर था वो थोड़ा ड्राई हो गया था तो मैं उसको ठीक कर रही थी। अब वो मेरा सारा हाथ पे गिर गया। कोई नहीं, अच्छा गाइस व्हाइट कलर मैंने आपको बताया ना मेरा थोड़ा ड्राई हो गया था तो पहले ना मैं ना पांडा के फेस में व्हाइट कलर पेंट कर रही हूँ ताकि मेरा व्हाइट कलर का काम खत्म हो जाए। गाइस इसका व्हाइट फेस पे हमने पेंट कर लिया है। ये आपको यहाँ पे ब्लू ब्लू नजर आ रहा है लेकिन ये ब्लू ब्लू नहीं है, ये बिल्कुल व्हाइट ही है। और ये मैं अब आपको दिखाती हूँ जब ये ड्राई हो जाएगा और इसके जो भी मुंह की चीजें छुप गई हैं वो थोड़ा ये ड्राई होगा तो हम इसको मार्कर से जो है इसकी आउटलाइन वापस क्लियर कर देंगे और ये फिर ठीक हो जाएगा। अब हम इसके कलर कर लेते हैं व्हाइट सा जो है तो उसके पेट। जी गाइस तो ये हो गया है इसका पेट। पेट तो नहीं, आप लोगों को यहाँ पे क्यों ब्लू ब्लू नजर आई जा रहा है, बिल्कुल वाइट है, दूर से वाइट लग रहा होगा। तो अब इसके ये दोनों चीजें ड्राई हो जाए तो हम इनकी आउटलाइन जो है वो प्रॉपरली एक दफा दोबारा करेंगे। तब तक हमने जो ये छोड़ा था अपना हम इसको कम्प्लीट करते हैं। हाँ जी, तो गाइज यूजुअली ना मैं इसमें इतना गर्म डाल के नहीं, मैंने जो लास्ट पेंटिंग की थी उसमें बिल्कुल भी हल नहीं था लेकिन इस पर तो मेरे हाथ बिल्कुल गंदे हो गए हैं और कोई हाल नहीं रहा मेरे हाथों का। और मैंने अपना जो चादर मैंने नीचे बिछाई थी ताकि मेरा बेड गंदा ना हो वो भी मैंने बहुत गंदी की लिया। ओके गाइस तो मेरा बैकग्राउंड पूरा पेंट हो गया है, ये अभी ड्राई हो रहा है। तब तक जो है ना जहाँ जहाँ से ये ड्राई हो गया वहाँ से मैं इसकी आउटलाइन ज़रा क्लियर कर लूँ ताकि ये हमारा बिल्कुल क्लियर हो जाए और फिर हम इसको अंदर से कलर करेंगे। ओके गाइस
तो गाइस देखिए हमारा पांडा जी तैयार है। इसके अंदर हमने कलर फिल करने हैं ब्लैक वाला और थोड़ी बहुत हम साथ करेंगे इसकी फिनिशिंग। गाइस वो थोड़ा सा ब्लैक कलर करते हुए मैंने वीडियो मेरी बंद हो गई थी और वो वाला पार्ट रिकॉर्ड नहीं हुआ, बाकी जो है वो आपके सामने करती हूँ, उसके लिए माजरत। ऐसे मेरा यहाँ तक डन हो गया है, अब मैं इसके कान करूंगी। One year done. Okay. We will move to the second one. हमारा पांडा हो गया कंप्लीट, हमने ब्लैक कलर कर लिया, हमने इसको फाइनल टचेस भी दे दिए, आउटलाइन भी कर दिया, ये है फाइनल रिजल्ट। इसकी मैं आपको एक दफ़ा अच्छे से और लुक भी दे देती हूँ और मैं इसके अलावा आपको ये भी दिखाती हूँ कि मैंने इससे पहले भी एक चीज़ बनाई थी वो कैसी बनी थी। ओके सो गाइस ये है इसकी फाइनल लुक। थोड़ा सा या आपको फील हो रहा होगा यहाँ पर, ये थोड़ा सा यहाँ से अभी गीला है और ये मैंने सारा जो करते करते किया है। गाइस इसके अलावा मैं आपको दिखाती हूँ अपनी दूसरी पेंटिंग्स। गाइस ये है मेरी सबसे पहली पेंटिंग जो आई गेस मैंने सबसे पहली बार यही पेंट की थी। तो ये जो बीच में मैंने लड़का लड़की खड़ी किया है, इसके मेरा भाई ने बहुत मजाक उड़ाया था, कहता है सिर्फ इसे दरख्त खड़ा हूँ। ये है मेरी फर्स्ट पेंटिंग। अब मैं आपको दिखाती हूँ अपनी एक और पेंटिंग। ये है जी गाइस मेरी एक और पेंटिंग, इसकी मैं पिक्चर भी डाल दूँगी, बड़ी प्यारी आई थी। और साथ ना गाइस मैंने एक आउल भी पेंट किया था जो कि मेरी मम्मा ने उतरवा दिया, उन्होंने कहा आउल नहीं लगवाना। और इसी के साथ हमारा आज का ब्लॉग खत्म हो गया गाइस। आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा आप लोगों को मेरा बनाया हुआ पांडा कैसा लगा, और आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस ऑन कर दें। मिलते हैं हम इंशाल्लाह कल। ओके बाय।